और हे गाइस, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग? आपका मोस्ट वेलकम हमारे सेशन में. माय नेम इज अभिजीत मिश्रा, आई एम यू जी एजुकेटर. आप देख रहे हैं हमारी क्लास करंट अफेयर्स, व्हाट द ईएसआईसी. तो गाइस, हमने प्रॉपर एक सीरीज चलाई है आपके लिए और आई होप कि आप प्रॉपर सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे, जो बच्चे फॉलो कर रहे हैं और सब कुछ सही चल रहा. तो मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था रिपोर्टर इंडिसेस, और ये पार्ट जो हमारा है ये भी हमारा रिपोर्टर इंडिसेस है. कल हम लोग क्या करने वाले हैं? तो कल हम लोग करने वाले नेशनल अफेयर्स पार्ट वन. कल हमारी क्लास नेशनल अफेयर्स पार्ट वन की होगी, तो तैयारी उससे लिए भी चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन. लेकिन उसके पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहेंगे. देखिए दोस्तों, पहले इन्फॉर्मेशन ये है आपके लिए कि अनअकैडमी पर आपके लिए कंटिन्यूअस बैचेस लाइव हो रहे हैं. 2 मार्च से एक बैच लाइव हो रहा है, एक्सेलरेटर बैच फॉर SBI PO 22 एग्जाम. यहाँ पर कौन कौन से एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, ठीक. इसके अलावा दोस्तों, एक बैच और लाइव होगा, प्रीमियर बैच फॉर IBS एंड SBI PO 22 एग्जामिनेशन. यहाँ भी एजुकेटर्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक गाइज. उसके बाद अगर हम बात करें तो हाँ, अनअकैडमी आपको ज्वाइन करना है. बैच देखिए आपने, तो अनअकैडमी आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो? आपके पास दो ऑप्शन हैं, और ये दो ऑप्शन कौन कौन से हैं वो देख लीजिएगा. देखिए, पहला है कि आपके पास आइकॉनिक का ऑप्शन है, और दूसरा आपके पास प्लस का ऑप्शन है, आइकॉनिक और प्लस का. इसका मतलब क्या है गाइस? देखिए, अगर आप आइकॉनिक एडमिशन लेते हैं गाइस, ठीक है, तो आइकॉनिक एडमिशन में फायदा आपको क्या मिलेगा? एक मिनट. आइकॉनिक एडमिशन में फायदा आपको यह मिलेगा कि अगर आप क्लास लेते हो गाइस, और क्लास में कोई डाउट है तो रेज अ हैंड का ऑप्शन जो आता है, तो रेज अ हैंड के ऑप्शन में क्या होगा, आपको मिलेगी पहली प्रायोरिटी. इसके अलावा जब आप डाउट पूछते हो ना, तो डाउट में भी आपको पहली प्रायोरिटी मिलती है. तो आइकॉनिक की फीस कितनी गाइस? अगर हम बात करें तो यहाँ पर फीस आपकी है 9,360 रुपये, ये आपकी फीस है फॉर द आइकॉनिक, ठीक. और अगर बात करें कि आपकी ये फीस है 2 साल के लिए, और 1 साल के लिए आपकी फीस है 7,300 रुपये, शायद आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा, देखिए यहाँ पे, ठीक. और आपको एडमिशन लेना है तो हमारा AVP10 कोड लगाइए, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा आइकॉनिक में, ठीक. और अगर हम बात करते हैं प्लस की, तो प्लस में आपको दोनों फैसिलिटी नहीं मिलती है. प्लस पे आपको प्रायोरिटी नहीं मिलती है, या फीस नहीं है. 24 महीने की फीस है गाइस 7,800 रुपये, और 12 महीने की फीस आपकी है 6,500 रुपये. यहाँ पर भी आपने AVP10 कोड लगाया तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है. चलिए आगे बढ़े गाइस. देखिए, अनअकैडमी आपके लिए लिखा है आस्क डाउट फैसिलिटी. तो आस्क डाउट का मतलब उसमें क्या होता है? अगर आप हमारा कोई पेड बैच ज्वाइन करते हैं, ड्यूरिंग द क्लास कुछ डाउट आपका आ गया, आप पूछ नहीं पाए फैकल्टी से, या फॉर एग्जाम्पल आप बाद में रिवाइज कर रहे हो, आपको डाउट आ गया, तो आप एक काम करें, अनअकैडमी के ऐप पर या वेबसाइट पर आपको आस्क डाउट फीचर मिलेगा. आप इस पर जाइए और यहाँ पर जाकर आपके जो भी डाउट्स हैं उसका स्क्रीनशॉट कीजिए और यहाँ पर अपलोड कर दीजिए. अच्छी बात यह है कि आप एक साथ 3 डाउट अपलोड कर सकते हैं और फिर अनअकैडमी तरफ से आपको इसका सोल्यूशन दे दिया जाएगा, ठीक है. नॉलेज विद फन नाम है इनका. बोलना क्या पढ़ाएंगे ये सब यार. आधा तो प्रचार कितने में टाइम देते हैं, आधा आई थिंक मैथमेटिक्स थोड़ी सी है आपकी, तो हमारी क्लास करीब 45 मिनट होती है, 5 मिनट हम प्रचार करते हैं और अच्छे से पढ़ाते हैं, तो आधा तो हुआ नहीं पहली बात ये सब. तो अभिजीत मिश्रा मेरा नाम है, हाँ, और बैंक एग्जाम में नाम है अभिजीत मिश्रा, नाम पता कर लीजिएगा. ये सब कॉमन लोग के लिए होता है, हमारे लिए नहीं होता, ठीक. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये सब, अरे भाई पहले नाम पता कर लो मेरा, ठीक. रेज अ हैंड दोस्तों, तो अनअकैडमी ज्वाइन करने पर आपको रेज अ हैंड का ऑप्शन मिलता है, और रेज अ हैंड में आप डाउट, अपना जो डाउट है क्लास के बीच में आप अपने एजुकेटर से पूछ सकते हो रेज अ हैंड पे, तो ये बड़ा फायदा है. इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब करेंगे ये सब, ठीक है दोस्तों. एक आपके लिए फायदे की बात है, 6 मार्च को आपका बैंक मेगा कॉम्बैच है, फोकस ऑन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया असिस्टेंट एग्जाम, ठीक. और यहाँ पर आपको 50 मिनट मिलते हैं, 36 क्वेश्चन करने पड़े आपको. टॉप 100 रैंकर्स को मिलेगा एक्साइटिंग प्राइस जीतने का मौका, फॉर एग्जांपल लैपटॉप, सैमसंग टैब, JBL हेडफोन्स, अमेजन वाउचर्स. और यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लेना है क्या एनरोलमेंट, उसके लिए हमारा कोड AVP10 कोड लगा दीजिएगा, ठीक है. आपको यहाँ पे फ्री में मिलेगा एनरोलमेंट. चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे पहले क्वेश्चन की. हमारे सामने पहला क्वेश्चन हमारे सामने दोस्तों, विच सिटी टॉप द वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 21 अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट. इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के हिसाब से वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में कौन सा शहर सबसे ऊपर है? आंसर आपको देना है. अरे नवीन सर मोस्ट वेलकम. अब ये नवीन सर मोस्ट वेलकम आपका.
चलिए आंसर हमारा क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पे अमित ने पहला आंसर दिया बी बोल रहे हैं, टी एस साई बोल रहे हैं, टेल अविव बोल रहे हैं, अमित टेल अविव बोल रहे हैं। ठीक है, आंसर हमारा क्या होगा, तो टेल अविव ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। टेल अविव बिकम द वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी, नंबर टू पे पेरिस, नंबर तीन पे सिंगापुर। मैं आपको दिखाता हूँ, तो वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं, लॉन्च बाय द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस। ठीक है, और टेल अविव सबसे महंगा शहर है। अगर नंबर टू की बात करें पेरिस, नंबर थ्री पे सिंगापुर, नंबर फोर पे ज्यूरिख है, और नंबर फाइव पे हांगकांग। ये टॉप फाइव ये महंगे शहर हैं, और सीरिया का डेमास्कस जो है ये सबसे सस्ता शहर है, ये देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर टू की। एज पर सीपरी रिपोर्ट, ठीक, द टॉप 100 ग्लोबल आर्म्स प्रोड्यूसिंग एंड मिलिट्री सर्विसेज कंपनीज इन 2020। ठीक, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हु अमंग द टॉप 100 ग्लोबल आर्म्स प्रोड्यूसिंग कंपनी, व्हाट इज द ग्लोबल रैंक ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। आंसर हमारा क्या होगा, देखिए, यानी सिपरी ने रिपोर्ट जारी किया, विश्व के शीर्ष 100 वैश्विक हथियार उत्पादक कंपनी, इसमें एचएल की रैंक क्या, ये आपसे पूछी गई है। आंसर हमारा क्या, अरे नवीन सर आप रॉकस्टार हैं क्या, इसमें परेशानी है। और आंसर हमारा क्या है, आप लोग बोल रहे हो तनुजा 44 बोल रही है, मयंक चौकसी 42 बोल रहे हैं, और शर्मा भी बोल रही है। आंसर 42 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी, दोस्तों बताया कि टॉप 100 में तीन कंपनीज हैं। देखिए 42वें नंबर पे है हिंदुस्तान मतलब एचएल, 60वें नंबर पे है इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, और 6वें नंबर पे है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। और इन्होंने कितने का प्रोडक्शन किया था अमाउंट का, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और दोस्तों अगर हम बात करते हैं ग्लोबल लेवल की, ग्लोबल लेवल पे टॉप पे है लॉकहीड मार्टिन यूएसए, रैथियन टेक्नोलॉजी यूएसए, एंड बोइंग यूएसए, यानी तीनों कंपनी यूएसए की, अच्छी बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ना, तो एच ई एल 42 पे है, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 60वें नंबर पे है, एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 6वें नंबर पे है आपके सामने। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की। देखिए यहाँ पे, और पहले नंबर पे यूएसए है, नंबर पे चाइना है, और नंबर तीन पे यूके है। अगर हम कंपनीज की बात करते हैं, मतलब सबसे ज्यादा कंपनीज कौन से देश की हैं उसमें मत लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री इज सेट टू डिस्प्लेस इंडिया एज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर दिस ईयर विद स्टेनलेस स्टील प्रोडक्शन ऑफ 4.5 मीट्रिक टन। तो कौन से देश ने इंडिया को नंबर टू से रिप्लेस कर दिया स्टील प्रोडक्शन के मामले में, यह आपसे पूछा गया। आंसर हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट इज आंसर। दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो हमारा आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर थ्री। इंडोनेशिया ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। देखिए, इंडोनेशिया इज सेट टू डिस्प्लेस इंडिया एज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर दिस ईयर विद स्टेनलेस स्टील ऑफ 4.5 मिलियन प्रोडक्शन। ठीक है, नंबर एक पर चाइना है। ठीक है, पहले पे चाइना, नंबर टू पे इंडोनेशिया हो गया है, नंबर थ्री पे इंडिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, बात है नेक्स्ट पॉइंट की। देखिए, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 22, व्हाट परसेंट ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन ओन्स मोर देन 1/5 ऑफ द टोटल नेशनल इनकम इन 21। विश्व असमानता रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या के कितने प्रतिशत के पास 21 में कुल राष्ट्रीय आय का पांचवा हिस्सा है। आंसर दी, और यहाँ पे नवीन सर बोल रहे हैं 1%। ये बोल रहे हैं कि 1% पॉपुलेशन के पास नेशनल इनकम का पांचवा हिस्सा था, ये सही आंसर होगा। और आगे देखते हैं, कोया भी 1 बोल रही है, टीसाई 1 बोल रहे हैं, सिन्नी 1 बोल रही है। आंसर हमारा क्या होगा, आंसर इज 1% ऑप्शन नंबर बी। तो भारत की टोटल पॉपुलेशन की बात करें, टोटल पॉपुलेशन का 1/5 जो है उसके पास, सॉरी हमारे देश की टोटल पॉपुलेशन का 1% जो है उनके पास नेशनल इनकम का 1/5 हिस्सा रहता है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। दोस्तों अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट द बॉटम हाफ ऑफ द पॉपुलेशन अनजस्ट, हमारे देश की आबादी का निचला आधा हिस्सा जो है उसके पास कितनी इनकम होती है, या फिर पूछा गया टोटल नेशनल इनकम का आधा, हमारी पॉपुलेशन का निचला आधा हिस्सा उसके पास नेशनल इनकम का कितना परसेंट रहता है, यह फिर पूछा गया। और नवीन सर बोल रहे हैं 13.1%, क्या सही आंसर है ये। एंड द राइट आंसर इज 13.1%, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट व्हाट परसेंट ऑफ रिचेस्ट पीपल इन इंडिया होल्ड 22% ऑफ द टोटल नेशनल इनकम इन 21।
भारत में सबसे अमीर लोग में से कितने परसेंट के पास 21 में कुल राष्ट्रीय हिस्से का 22% है? आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। तो ये पॉइंट हमारा हो गया। आपके पिछले एग्जाम्स में क्वेश्चन यहाँ से बने, आपने जो एग्जाम्स दिए हैं पिछले भी, वहां यहाँ से क्वेश्चन बने। तो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट। वॉट इज इंडियाज रैंक इन द एशिया पावर इंडेक्स 21? एशिया पावर इंडेक्स 21 में भारत की रैंक कितनी पूछी आपसे? पूछिए एशिया पावर इंडेक्स में व्हाट इज इंडियाज रैंक। आंसर हमारा क्या होगा? पहले पे यूएसए है, नंबर टू पे इंडिया, नंबर टू पे चाइना होगा, नंबर थ्री पे जापान होगा, नंबर फोर पे इंडिया होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एशिया पावर इंडेक्स रिलीज बाय द लोई, रिलीज बाय द लोई इंस्टीट्यूट, लोई इंस्टीट्यूट ठीक है, सिडनी का है। ठीक, इंडिया रैंक फोर्थ, टॉप बाय द यूएसए, देन चाइना, देन जापान। USA, then China, then Japan, तो इधर लीजिए, नंबर फोर पे इंडिया आपका है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज टॉप्ड इन 21? बुरगंडी प्राइवेट, हरून इंडिया लिस्ट ऑफ 500 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। 500 सबसे मूल्यवान कंपनी होते हैं, तो बुरगंडी प्राइवेट, हरून इंडिया लिस्ट में सबसे नंबर वन यहाँ से पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज टॉप्ड इन द 21? बुरगंडी प्राइवेट, प्राइवेट हुरून इंडिया लिस्ट ऑफ 500 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज। आंसर हमारा क्या होगा? मयंक चक्रवर्ती बोल रहे हैं RIL, क्या ये सही आंसर है? क्या ये सही आंसर है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑप्शन नंबर है RIL, रिलायंस। ठीक है गाइस, देखिए यहाँ पे तो पहले नंबर पे RIL है, वैल्यू दी गई है, हेडक्वार्टर CUMD। नंबर टू पे TCS है, नंबर थ्री पे HDFC बैंक है, नंबर फोर पे इन्फोसिस है, एंड नंबर फाइव पे ICICI बैंक। रिलायंस, TCS, HDFC बैंक, इन्फोसिस, ICICI बैंक। तो ये आपके सामने लिस्ट है पूरी जो हमने आपको दिखा दी है। ठीक है, नंबर सिक्स पे HDFC है, नंबर सेवन पे बजाज फाइनेंस है, नंबर एट पे कोटक महिंद्रा बैंक है, नंबर नाइन पे भारतीय एयरटेल है, एंड नंबर टेन पे विप्रो है। यानी टॉप 10 कंपनी नाम आपके सामने यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, एज पर द रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स रिपोर्ट, Which country has been declared as the world's biggest captor of journalists with at least 127 reporter currently detained? तो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में कम से कम 127 पत्रकारों को हिरासत में लिए जाने के साथ किस देश को पत्रकारों का दुनिया का सबसे बड़ा बंदी देश घोषित किया गया है? आंसर हमारा क्या होगा? और यहां पर चाइना बोल रहे हैं आप लोग। ठीक है, आंसर इज चाइना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर ने क्या बताया कि दुनिया में सबसे ज्यादा पत्रकार बंदी हैं चाइना में, 127 जर्नलिस्ट जेल में बंद है चाइना में। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, आगे बढ़ते गाइस नेक्स्ट पॉइंट। व्हिच स्टेट हैज टॉप्ड द 9th एडिशन ऑफ इंडिया स्किल रिपोर्ट 22? व्हिच स्टेट हैज टॉप्ड द 9th एडिशन ऑफ इंडिया स्किल रिपोर्ट 22? व्हिच स्टेट हैज टॉप्ड द 9th एडिशन ऑफ इंडिया स्किल 22? आंसर हमारा क्या होगा? वी हैव 5 ऑप्शन दोस्तों। और आंसर की बात करें, 9वां एडिशन है, देखो दोस्तों भुना रही, 9th एडिशन। ठीक है, 9th एडिशन ऑफ इंडिया स्किल रिपोर्ट 22, आंसर इज द महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र हमारा सही आंसर है। ठीक है, तो 9वां एडिशन इंडिया स्किल रिपोर्ट 22, ठीक, महाराष्ट्र है सिटिंग टॉप पोजिशन, नंबर टू पे उत्तर प्रदेश है, नंबर थ्री पे केरला है आपका, देख लीजिए। ठीक, और थीम याद ही हुई है, रिबिल्डिंग एंड रीइंजीनियरिंग द फ्यूचर ऑफ वर्क, थीम भी यहाँ पर। ठीक है, तो और देखते हैं यहाँ पे दो, पुणे इज द सिटी विद द मोस्ट हाईली एम्प्लॉयबल रिसोर्स, पुणे इज द सिटी विद द मोस्ट हाईली एम्प्लॉयबल रिसोर्सेज। ठीक है, ये भी देख लीजिएगा, और देखिए यहाँ पे टॉप 5 स्टेट विद हाईएस्ट एम्प्लॉयबिलिटी, पहले महाराष्ट्र है, नंबर टू पे उत्तर प्रदेश है। एम्प्लॉयबिलिटी की बात कर रहे हैं, पहले महाराष्ट्र है, नंबर टू पे उत्तर प्रदेश, नंबर थ्री केरला, नंबर फोर वेस्ट बंगाल, नंबर फोर कर्नाटक। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट पॉइंट। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 21 पब्लिश बाय द IMD वर्ल्ड कॉम्पिटेटिव सेंटर? तो IMD वर्ल्ड कॉम्पिटेटिव सेंटर द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 21 ने भारत की रैंक क्या है, ये आपसे पूछिए, आंसर हमारा क्या है?
यहाँ पे नवीन सर बोल रहे हैं 56, क्या सही आंसर आ रहा है? देख लीजिए फिर से एक बार। वॉट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट पब्लिश बाई द IMD वर्ल्ड कॉम्पिटेटिव सेंटर? और आंसर हमारा होगा 56, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज टॉप्ड द वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट पब्लिश बाई द IMD वर्ल्ड कॉम्पिटेटिव सेंटर? किसने टॉप किया ये आपसे पूछा गया। किसने टॉप किया? अगर हम टॉप की बात करें गाइस, तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर ए। स्विट्जरलैंड ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए तो IMD वर्ल्ड कॉम्पिटेटिव सेंटर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर इनकी बात करें, इन्होंने रिपोर्टिंग आ ली है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट। ठीक, तो यहां पर देखिए स्विट्जरलैंड टॉप किया है इसमें। ठीक है, और इंडिया 57 पोजीशन पे है। अगर हम बात करते हैं द मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, UAE नंबर एक पर है। अरे UAE नंबर टू पे, सॉरी, इसराइल जो है वो नंबर एक पर है। ठीक है, और बात करें अरब वर्ल्ड की बात करें, इन द मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका UAE मेंटेन सेकंड पोजीशन फॉलोइंग इसराइल। ठीक है, और इन द अरब वर्ल्ड UAE मेंटेन द टॉप पोजीशन, अरब वर्ल्ड की बात करें तो। ठीक है, इसका मतलब मुस्लिम कंट्री की बात हो रही है। ठीक है, और ताइवान हैज बीन रैंक एट थर्ड प्लेस इन एशिया वाइल एट 16 प्लेस। तो यहाँ पे स्विट्जरलैंड, स्वीडन, लग्जमबर्ग, नॉर्वे एंड डेनमार्क, ये टॉप फाइव कंट्रीज आपको दिखाई पड़ रहा है। स्विट्जरलैंड, स्वीडन, लग्जमबर्ग, नॉर्वे एंड डेनमार्क, इंडिया गॉट 56 रैंक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एज पर द डेटा रिलीज बाई द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, इंडिया हैज अ टोटल 870,141 रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। विच स्टेट इज होल्डिंग द टॉप स्पॉट विथ 255,700 रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स? आंसर हमारा क्या होगा? यहाँ पे आंसर हमारा क्या होगा? यहाँ पे हमारा आंसर होगा, यहाँ पे हमारा आंसर होगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यूपी हमारा सही आंसर। यानी कहा गया है कि पूरे पूरे इंडिया में टोटल राइट नाउ 870,141 रजिस्टर्ड ईवी हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा जो है वो यूपी में है, 255,700। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक, पहले पे यूपी है, नंबर टू पे दिल्ली है, नंबर थ्री कर्नाटका, नंबर फोर बिहार, नंबर फाइव महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट वॉज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 21? ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 21 में क्या रैंक है भारत की, यहां से पूछा गया। आंसर हमारा क्या, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में वॉट इज द रैंक ऑफ इंडिया? ठीक है, और आंसर हमारा क्या होगा? आंसर इज 66, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विच कंट्री हैज टॉप द ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 21? विच कंट्री हैज टॉप द ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 21? वी हैव फाइव ऑप्शन, व्हाट इज द आंसर? किसने टॉप किया गया से पूछा गया। अगर हम टॉप की बात करें तो टॉप बाई द USA, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। तो ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स की बात करें, ठीक है, आइए, इंडिया छठे नंबर पे है, ठीक है, और नंबर वन पे USA है, याद कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, USA पहले पे है, ऑस्ट्रेलिया नंबर टू पे है, फिनलैंड थ्री पे है, कनाडा नंबर फोर पे है, थाईलैंड नंबर फाइव पे। ठीक, सबसे लास्ट कंट्री सोमालिया, उसके ऊपर यमन है, उसके ऊपर नॉर्थ कोरिया है। नेक्स्ट पॉइंट, फाइव इंडियन ब्रांड्स आर प्लेस इन द टॉप 100 ग्लोबल पावर ऑफ लग्जरी ब्रांड अकॉर्डिंग टू डेलॉयट ग्लोबल इन एडिशन ऑफ ग्लोबल पावर ऑफ लग्जरी ब्रांड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन ब्रांड इज इन टॉप? पांच इंडियन ब्रांड आर प्लेस इन द टॉप 100 ग्लोबल पावर्स ऑफ लग्जरी गुड लिस्ट। तो आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन ब्रांड इज इन टॉप? आंसर हमारा क्या होगा? टाइटन, टाइटन इज राइट आंसर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम केवल बात करेंगे, आप अच्छा वो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांड हैज टॉप्ड इन द टॉप ग्लोबल टॉप 100 ग्लोबल पावर्स ऑफ द लग्जरी ब्रांड लिस्ट? मतलब पूरी दुनिया के टॉप 100 ग्लोबल लग्जरी ब्रांड की बात करें, नंबर में कौन है यह पूछा गया?
नंबर वन पे कौन गया था पूछा गया, आंसर हमारा क्या होगा? और आंसर हमारा क्या होगा? आंसर इज LVMH, मोएट हैंसी, लुइस वाइटन एसी, ऑप्शन नंबर ए. तो ऑप्शन नंबर ई हमारा सही आंसर है. ठीक है, तो फाइव इंडियन ब्रांड्स आर प्लेस इन द टॉप 100 ग्लोबल पावर लग्जरी ब्रांड. ठीक, और टॉप इसने किया टाटा. टाटा ने टॉप किया इंडिया लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे 22nd रैंक किया. कल्याण ज्वेलर्स 37 नंबर पे है, जोया लुकास 47 नंबर पे है, पीसी ज्वेलर्स 57 नंबर पे है, एंड त्रिभुवन दास भीम जी जावरी लिमिटेड 92 नंबर पे है. देख लीजिए. ठीक है सो, और अगर हम टॉप की बात करते हैं तो LVMH, मोइट हैंसी, लुइस वेटम एसी, ये कंपनी फ्रांस की है, टॉप पर है. नंबर टू पे केयरिंग एसे, ये फ्रांस की है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे. हु टॉप द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड मोस्ट एडमायर्ड मेन इन 21 रिलीज बाय यूगोव, YOUGOV द्वारा जारी, विश्व के सर्वाधिक प्रशंसित पुरुषों की सूची में नंबर वन कौन है यह पूछा गया, आंसर हमारा क्या होगा? यूगोव द्वारा जारी 21 में विश्व के सर्वाधिक प्रशंसित पुरुषों की सूची में सबसे ऊपर कौन, आंसर हमारा क्या? और यहां पे आंसर की बात करें तो बराक ओबामा. और आंसर हमारा क्या होगा? ओबामा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टॉप द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एडमायर्ड वुमेन इन 21 रिलीज बाय द यूगोव, आंसर हमारा क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19, दोस्तों आंसर होगा मिशेल ओबामा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. जी दोनों वाइफ दोनों लोग. तो बराक ओबामा पहले नंबर पे हैं मेल में, बिल गेट्स नंबर टू पे हैं, शी जिनपिंग नंबर थ्री पे हैं, क्रिस्टियानो नंबर फोर पे हैं, जैकी चैन पांचवें पे हैं, नरेंद्र मोदी आठवें नंबर पे, नरेंद्र मोदी आठवें नंबर पे हैं. टॉप 20 मोस्ट एडमायर्ड मैन 21, नरेंद्र मोदी आठवें नंबर पे हैं. ठीक है, महिलाओं की बात करें तो मिशेल ओबामा पहले पे हैं, एंजेलिना जोली नंबर टू पे हैं, क्वीन एलिजाबेथ नंबर थ्री पे हैं, ओपरा विनफ्रे नंबर फोर पे हैं, एंड स्कारलेट जॉनसन ब्लैक विडो नंबर फाइव पे. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, इंडिया इज विच मोस्ट अफेक्टेड कंट्री बाय स्पैम कॉल इन 21 एज पर ट्रूकॉलर. तो ट्रूकॉलर के हिसाब से 21 में स्पैम कॉल के मामले में भारत सबसे नंबर, मतलब भारत कौन से नंबर पे है? और आंसर हमारा क्या होगा? आंसर इज फोर्थ ऑप्शन नंबर डी, भारत चौथे नंबर पे है. देखिए अगर गाइस हम बात करें तो भारत चौथे नंबर पे है. ठीक है, ये हो गया. पहले ब्राजील है, नंबर टू पेरू है, नंबर थ्री यूक्रेन है, और नंबर फोर पे इंडिया है. आज मालूम चला यूक्रेन में इतने मिस कॉल कौन कर रहा था, है ना? आज मालूम चल गया. नेक्स्ट पॉइंट, ट्रू कॉलर स्वीडन का हेडक्वार्टर है, स्वीडन में इसका हेडक्वार्टर है, स्टॉकहोम स्वीडन. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द एनुअल स्टेट स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट ऑफ द स्विगी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फेवरेट फूड ऑर्डर बाई इंडियन. स्विगी ने बताया हुआ है हम लोगों को कि भाई इंडिया में सबसे मोस्ट फेवरेट फूड कौन सा है जो लोग ऑर्डर करते हैं, आंसर हमारा क्या होगा? एंड द आंसर इज बिरयानी, ऑप्शन नंबर बिरयानी, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर. ठीक है, तो एनुअल स्टेट ईट स्टिक्स रिपोर्ट रिलीज बाय स्विगी, एडिशन शर्माइए, तो इंडिया ऑर्डर्ड 115 बिरयानी पर मिनट विच रिमेन्स ऑन द टॉप ऑफ द चार्ट. सेकंड फेवरेट देसी समोसा, थर्ड फेवरेट पाव भाजी, अदर की हाइलाइट्स गुलाब जामुन वॉज द मोस्ट ऑर्डर्ड डिजर्ट ऑन द एप्लीकेशन वाइल रसमलाई केम सेकंड. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वन दोस्तों, बेंगलोर एमर्ज एज द मोस्ट हेल्थ कॉन्शियस सिटी फॉलोड बाई हैदराबाद एंड मुंबई. ठीक है, एक पॉइंट ये देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, हु इज रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग ग्रेनियर इंडेक्स 21. हालांकि आपके एग्जाम के पहले ही बार पढ़ाना पड़ेगा, फिर भी देख लीजिएगा. तो ब्लूमबर्ग के हिसाब से दुनिया का सबसे अमीर इंसान कौन है इस समय? तो कौन है, क्या नाम है इनका? ये है एलन मस्क, ऑप्शन नंबर बी. ठीक,
और वॉट इज द रैंक ऑफ मुकेश अंबानी फ्रॉम द इंडिया इन द ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स? और यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा 12th ऑप्शन नंबर डी. 12th ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. ठीक दोस्तों आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट. वॉट इज द रैंक ऑफ गौतम अडानी फ्रॉम इंडिया इन द ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स 21? वॉट इज द रैंक ऑफ गौतम अडानी फ्रॉम इंडिया इन द ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स 21? और यहां पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा 14th ऑप्शन नंबर ई. 14th ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, वॉट इज द रैंक ऑफ अजीम प्रेमजी फ्रॉम इंडिया इन द ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स 21? ठीक है, और दोस्तों आंसर हमारा क्या हो जाएगा 33rd ऑप्शन नंबर ई. 33वां ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर गाइस. तो ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स 21 देखिए यहां पे रिलीज बाय द ब्लूमबर्ग न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर टॉप बाय द एलन मस्क देन जेफ बेजोस देन बर्नार्ड अर्नोल्ड देन बिल गेट्स देन लैरी पेज. मुकेश अंबानी 12 नंबर पे हैं, गौतम अडानी 14 नंबर पे हैं और अजीम प्रेमजी 13 नंबर पे हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट. इंडिया डिस्प्लेस विच कंट्री टू बी थर्ड टॉप कंट्री होस्टिंग यूनिकॉर्न? इंडिया ने कौन से देश को छोड़ दिया पीछे, तीसरी सबसे बड़ी कंट्री बन गई है होस्टिंग यूनिकॉर्न? होस्टिंग यूनिकॉर्न आंसर हमारा क्या होगा? यूनिकॉर्न में समझते हैं आप लोग ना, आंसर हमारा क्या होगा? ठीक है, आंसर होगा हमारा यूके ऑप्शन नंबर सी. तो इंडिया ने नो विच विद 54 यूनिकॉर्न इन टोटल इंडिया हैज डिस्प्लेस्ड यूके टू बैक द थर्ड स्पॉट इन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज विद द मोस्ट नंबर ऑफ सच कंपनीज अ रिपोर्ट रिलीज बाय ह्यूमन एचआरडी. ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स इंस्टीट्यूट एचआरआई, याद कर लीजिएगा. आगे बढ़ते गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन. एडिंग 33 यूनिकॉर्न इन सिंगल ईयर हैज हेल्प इंडिया डिस्प्लेस द यूके. तो एक साल में 33 यूनिकॉर्न. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों. इन टॉप टू ऑक्यूपेंट्स आर होम टू 74. ठीक है, इतना नहीं पढ़ना आपको, आगे बढ़ना. नेम द इंडियाज लार्जेस्ट कॉर्पोरेट बाय रेवेन्यू प्रॉफिट एंड मार्केट वैल्यू टॉप द 21 विजिकी न्यू स्कोर रैंकिंग. आंसर हमारा क्या होगा? राजस्व लाभ और बाजार मूल्य के आधार पर भारत के सबसे बड़े अमीर का नाम बताइए जो 21 विजिकी न्यू स्कोर रैंकिंग में सुपर हो. और हमारा आंसर होगा रिलायंस इंडस्ट्री ऑप्शन डी. रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट. विच स्टेट हैज टॉप्ड इन द प्रधानमंत्री जनधन योजना लिस्ट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ बैंक अकाउंट? ठीक है, आंसर इज द उत्तर प्रदेश. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. ठीक है, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना में सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर अकाउंट खोले उत्तर प्रदेश. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट. देखिए टोटल नंबर ऑफ बेनिफिशियरी अंडर द सेंटर्स फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम प्रधानमंत्री जनधन योजना हैज क्रॉस 44 करोड़. टोटल बेनिफिशियरी संख्या 44 करोड़ से ऊपर हुई है. टोटल बेनिफिशियरी संख्या 44 करोड़ से ऊपर हो गई है. ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ अकाउंट 44.05 करोड़ एंड बैलेंस 147, याद करो बैलेंस 147.82. इसे याद कर लेना. उत्तर प्रदेश टॉप इन द लिस्ट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ अकाउंट फॉलोड बाय बिहार. नंबर टू पर बिहार है आपका. ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा. ठीक, तो आगे बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट. विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक अचीव द टॉप पोजीशन इन द डिजिटल पेमेंट्स फॉर 2021? 2021 के हिसाब से डिजिटल भुगतान के मामले में कौन से बैंक ने टॉप किया, ये आपसे पूछा गया. दोस्तों आंसर होगा हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा ऑप्शन नंबर बी. बैंक ऑफ बड़ौदा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन अमित शाह रिलीज द गुड गवर्नेंस इंडेक्स विच स्टेट हैज टॉप द ओवरऑल कंपोजिट कैटेगरीज. तो हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री ने सुशासन सूचकांक जारी किया है, तो कौन से स्टेट ने समग्र या श्रेणी में सबसे ऊपर स्थान हासिल किया? आंसर हमारा क्या होगा? वॉट इज राइट आंसर? आंसर इज गुजरात, ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट, विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड हिल स्टेट हैज टॉप्ड? सेम क्वेश्चन. दोस्तों हमारा आंसर होगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ई. हिमाचल प्रदेश ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन अमित शाह रिलीज द गुड गवर्नेंस इंडेक्स विच यूटी हैज टॉप्ड इन इंडेक्स यूटी. गाइस हमारा आंसर क्या होगा? दिल्ली, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर. दिल्ली हमारा सही आंसर है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे टॉप रैंकिंग स्टेट इन द स्कीम ये पढ़ना नहीं है आपको, बहुत लंबी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी. जितना मैंने पूछा वो पढ़ लेना आप केवल. चलिए आगे बढ़ते. नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया टू रीगेन इट्स प्लेस एज द वर्ल्ड सिक्स बिगेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड. ठीक है, इन विच ईयर लिविंग फ्रेंच एंड ब्रिटिश इकॉनमी एज पर ब्रिटिश कंसल्टेंसी साइबर रिपोर्ट. ठीक है, तो ब्रिटिश कंसल्टेंसी साइबर रिपोर्ट की बात करें तो क्या बोला गया है कि इंडिया टू रिगेन इट्स प्लेस एज द वर्ल्ड रिचेस्ट बिगेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड इन लिविंग फ्रेंच एंड ब्रिटिश इकॉनमी. आंसर में क्या होगा? तो आंसर में क्या होगा? आंसर इज द 23, ऑप्शन नंबर सी. 2023, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज द फोर्थ एडिशन ऑफ द हेल्दी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट रैंकिंग स्टेट परफॉर्मेंस फॉर द ईयर 2019. आंसर हमारा क्या होगा? तो इस क्वेश्चन पे आंसर हमारा हो जाएगा नीति आयोग, ऑप्शन नंबर डी. देखो ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज टॉप्ड इन द लार्जर स्टेट रैंकिंग कैटेगरी इन द फोर्थ एडिशन ऑफ द हेल्थ स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट रैंकिंग स्टेट परफॉर्मेंस फॉर द ईयर 2019. आंसर हमारा क्या होगा? केरला, ऑप्शन नंबर. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज टॉप्ड इन द स्मॉलर स्टेट रैंकिंग कैटेगरी इन द फोर्थ एडिशन द हेल्दी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट रैंकिंग स्टेट परफॉर्मेंस फॉर ईच ईयर 2019. आंसर हमारा क्या होगा? आंसर हमारा होगा मिजोरम, ऑप्शन नंबर ए. मिजोरम, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूटी हैज टॉप्ड इन द फोर्थ एडिशन ऑफ द हेल्दी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट रैंकिंग स्टेट परफॉर्मेंस फॉर 2020. आंसर हमारा क्या होगा? आंसर हमारा हो जाएगा दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन दीव, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द लेटेस्ट रिपोर्ट पब्लिश बाई द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वॉट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द डोप वॉल्टर्स इन द वर्ल्ड. और आंसर माना होगा थर्ड, ऑप्शन नंबर सी. थर्ड ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. इन द लेटेस्ट रिपोर्ट पब्लिश बाय द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी विच कंट्री टॉप द लिस्ट इन द वर्ल्ड बिगेस्ट डोपिंग वायलेटर्स. आंसर ऑफकोर्स चाइना हो जाए, रशिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर. ठीक है, वॉट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द हैनली पासवर्ड इंडेक्स? 83rd, ऑप्शन नंबर भी यार पढ़ाई हम लोगों ने है ना. विच कंट्री हैज टॉप द हैनली पासवर्ड इंडेक्स में कौन टॉप किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जापान एंड सिंगापुर, ऑप्शन नंबर बी. जापान सिंगापुर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट, विच स्टेट हैज टॉप्ड इन टर्म्स ऑफ द इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर एज पर इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिजर्व रिपोर्ट 2021. पढ़े हम, आंसर हमारा क्या होगा? यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी. आंध्र प्रदेश ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज द डिजिटल पेमेंट इंडेक्स फॉर सेप्टेम्बर 2021 एज पर आगे डेटा? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार सेप्टेम्बर 2021 के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक क्या है? पास ऑप्शन पास आंसर क्या होगा?
एंड द आंसर इज 304.96, ऑप्शन नंबर है 304.06। ध्यान देना, ये डेटा आपका सितंबर में आता है लेकिन जनवरी पब्लिश होगा। मैंने बोला था आपसे सेमी एनुअल बेसिस पर ही आएगा, मार्च वाला अप्रैल मई जून जुलाई जुलाई में आएगा। ये मैंने प्रॉपर डीप पढ़ाया आपको, है ना। आगे बढ़ते गाइस, नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, ठीक है। इंडिया फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स हैज बीन अनवील्ड रिसेंटली फॉर डिस्ट्रिक्ट और विद स्टेट यूटी। भारत में पहली बार डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स ये लॉन्च किया गया था जम्मू कश्मीर लेवल पे, है ना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एग्जैक्टली। विच ब्रांड हैज एमर्ज्ड एज द वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड इन 22 अकॉर्डिंग टू द ब्रांड फाइनेंस 22 ग्लोबल 500 रिपोर्ट। तो ब्रांड फाइनेंस 22 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के साथ कौन सा ब्रांड 22 में दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड बनकर उभरा, ठीक है। आंसर क्या, आंसर इज एप्पल, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, एप्पल हमारा सही आंसर। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, मैंने आज आपसे पूछा क्वेश्चन अपने करंट अफेयर्स में, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में कितनी रैंक इंडिया की है। और हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, 85, ऑप्शन नंबर सी, 85 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों इसे खत्म करते हैं, कल आपसे मिलेंगे फॉर द नेशनल अफेयर्स दिन में 1 बजे। थैंक यू सो मच। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए आप, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।